हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके हमारे चैनल में। आज हम सीखेंगे बोर्ड की वायरिंग कैसे करते हैं। तो बोर्ड हम देखिए, तीन स्विच है और दो सॉकेट है, इसका वायरिंग करने को आज हम सीखेंगे। तो पहले आपको इस जो प्लेट है बोर्ड का, उसमें स्विच सब कस लेना है। यहाँ से स्क्रू उसमें रहता है, यहाँ से टाइट कर लेना है। सबसे पहले देखिए, बोर्ड है, ये जो बोर्ड है इसको हम लोग ऐसे ही उल्टा करेंगे। देख लीजिए, ये बोर्ड है, इसको हम ऐसे ही पीछे की तरफ उल्टा करेंगे। उसके बाद से ये तीन स्विच है और ये दो सॉकेट है। तो चलिए हम लोग इसका वायरिंग करते हैं। देखिए, वायरिंग करने से पहले एक बात बता दे रहे हैं आपको, वायरिंग में दो तारे आती हैं जिसमें एक न्यूट्रल एक फेस रहता है। जो न्यूट्रल रहता है वो केवल सॉकेट में रहता है, या पंखा चला रहे हो, बल्ब जला रहे हो, उसमें एक एक न्यूट्रल रहता है। और बोर्ड में वायरिंग करने के लिए जो न्यूट्रल होता है वो केवल सॉकेट में रहता है, स्विच में नहीं रहता है। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग वायरिंग करने को सीखते हैं। देखिए, ये तीन स्विच है, तीनों स्विच में हम जो नीचे वाला पोर्शन है उसको हम लोग सीरीज करते हैं। तो इतना वायर छील लेना है इसको नाप करके, उसके बाद से इसको हम लोग सीरीज करेंगे। ये जो सीरीज हो रहा है ये फेस है, जो दो वायर आती है न्यूट्रल फेस, उसमें का ये फेस है। मैंने आपको बता चुका हूं कि जो फेस होता है वो केवल स्विच में रहता है, एक सॉकेट में रहता है। न्यूट्रल जो होता है वो केवल सॉकेट में रहता है, स्विच में नहीं रहता है। तो चलिए हम लोग इसको टाइट करते हैं। अब देखिए, जो इस वायर में लाइट आएगा वो इन तीनों स्विचों में जाएगा, यानी कि ये फेस है, जो फेस है वो स्विच में सीरीज रहता है। देखिए, ये हमारा फेस स्विच में पैरेलल हो चुका है, सीरीज हो चुका है, स्विच में सीरीज हो चुका है ये वायर। उसके बाद से ये एक बाहर निकल जाएगा फेस के लिए। उसके बाद से एक न्यूट्रल वायर हम जोड़ेंगे जो केवल सॉकेट में रहता है। तो देखिए, ये हमारा न्यूट्रल वायर अलग से एक ले लेंगे और इसको हम लोग सॉकेट में जोड़ेंगे। सॉकेट में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे न्यूट्रल और लाइन दोनों यहाँ पे लिखा रहता है, लिखा है ये न्यूट्रल है और ये लाइन है, मेन लाइन है। ठीक है, तो हम लोग जो ये वायर है वो न्यूट्रल में जोड़ेंगे। तो न्यूट्रल का इसमें हम लोग जोड़ लेंगे, मैंने आपको बता चुका हूँ न्यूट्रल जो होता है वो केवल सॉकेट में होता है। फिर इसी सॉकेट से एक वायर लेते जाएंगे न्यूट्रल के लिए, इस सॉकेट में भी जरूरी होगा, तो इस सॉकेट में भी न्यूट्रल एक जाना चाहिए इसमें लाइन लाने के लिए। तो इसी वायर से हम लोग इसमें भी न्यूट्रल लेकर जाएंगे। तो इसमें इतना बड़ा साइज नाप कर काट लेना है और यहाँ पे इसको जोड़ देना है आपस में, इसमें कस देते हैं ठीक से। ये हो गया न्यूट्रल, न्यूट्रल से एक वायर जाएगा हमारा इस वाले सॉकेट के न्यूट्रल में। तो न्यूट्रल इस बगल है इसमें, तो इधर से इसको टाइट कर लेते हैं। देखिए, हो चुका। अब देखिए, ये हमारा फेस हो गया जो स्विच से बाहर गया है, और ये हमारा न्यूट्रल हो गया जो केवल सॉकेट में है, और सॉकेट से ये न्यूट्रल बाहर निकल गया। अब ये दोनों जो तार है ये हमारे बोर्ड में जाएगा, जहां से लाइन इस बोर्ड में लाना है। तो अब ये सॉकेट कैसे काम करेगा हम ये आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ पे सॉकेट में एक ही वायर जुड़ा है जो न्यूट्रल का है, तो सॉकेट में फेस भी जोड़ना होगा ताकि ये सॉकेट काम कर सके। जो न्यूट्रल और फेस रहता है तभी सॉकेट काम करता है। तो चलिए हम लोग सॉकेट में भी फेस जोड़ते हैं। तो फेस जोड़ने के लिए जो स्विच का ऊपर वाला हिस्सा रहता है उसमें एक वायर जोड़ के, क्योंकि उसमें फेस है उसमें वायर जोड़ देते हैं। उसके बाद से ये मेन लाइन जो फेस है सॉकेट में उसमें जोड़ देंगे और यहां से टाइट कर देंगे।
एक फिर से यहां से इसमें चला गया, उसी तरह से सेम इधर भी करना है, यहाँ पे फेस है, इसमें एक केवल न्यूट्रल का वायर जुड़ा हुआ है, तो हम लोग यहाँ से फेस भी स्विच से लेंगे सॉकेट में, तो ये लगेगा। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा बोर्ड तैयार हो चुका है, ये दो वायर है, एक फेस की एक न्यूट्रल की, जो बोर्ड में जोड़ेंगे तो काम करने लगेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।